अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू कीमा। उसके लिए हमने कीमा ले लिया 600 ग्राम। ये हमने ले लिया आलू दो मीडियम साइज़ के, इन्हें हमने टुकड़ों में काट लिया है। दो अदद प्याज ले लिए हैं, इन्हें हमने बारीक चॉप करा है। हाफ टेबल स्पून हमने लहसुन ले लिया है। 1 टेबल स्पून अदरक ले लिया, ये हमने ले लिया। 3 अदद टमाटर, 1 अदद सब्ज मिर्च, 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी, 4 अदद लौंग, 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 हमने ले लिए मोटी इलायची, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टेबल स्पून हमने ले लिया साबुत जीरा, 1/2 टेबल स्पून मेथी, 1 टेबल स्पून नमक। हम एक पान लेंगे, उसमें ऐड करेंगे 1/2 कप ऑयल, 1/2 कप। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी कटे हुए आलू, इन्हें कर लेंगे फ्राई। और ये देखे 2 से 3 मिनट इन्हें फ्राई कर लेना है, हमारे आलू हो जाएंगे फ्राई। देखिए आलू हो गया फ्राई, इन्हें हमने प्लेट में निकाल लिया। हम इसमें ऐड करेंगे अपने कटे हुए प्याज, इसके साथ ही हम ऐड करेंगे लौंग, मोटी इलायची, दालचीनी, ये ऐड कर लें। इसे भी हम साथ ही भून लेंगे प्याजों को। हमारे प्याज हो गए अच्छी तरह से ब्राउन। अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन और अदरक, इसे भी अच्छी तरह से भून लें। और ये देखिए हमारा लहसुन भी अदरक अच्छी तरह से भून गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक, सुरख मिर्च, हल्दी पाउडर, ये ऐड कर लें। इसे कर लें अच्छी तरह से मिक्स। ये देखिए हमने इसमें नमक मिर्च डाल के भून लिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना कीमा, इसे भी डालकर अच्छी तरह से भून लें। इसे 5 से 10 मिनट भूनना है, इसका पानी पीने का अच्छी तरह से कुछ हो जाए। देखिए कीमे का पानी हो गया अच्छी तरह से कुछ। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर और सब्ज मिर्च, ऐड करके इसे तेज आंच पे इसी तरह भूनते जाना है जब तक हमारे टमाटर गल ना जाए। और ये देखिए 5 से 7 मिनट हो गए, हमारे टमाटर अच्छी तरह से गल गए, ऑयल आ गया ऊपर। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने मसाले, साबुत जीरा, मेथी, गरम मसाला पाउडर, ये ऐड कर लें। इन्हें डालकर अच्छी तरह से भून लें, हमारे तमाम मसाले हो जाएंगे मिक्स। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने कटे फ्राई किए हुए आलू, इन्हें भी डालकर अच्छी तरह से भून लें। देखिए हमने आलू डालकर अच्छी तरह से इसे भी भून लिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, 1/2 कप पानी ऐड कर लें। इसमें कर लें अच्छी तरह से मिक्स। अब हम इसे दरमियानी आंच पे 5 से 7 मिनट रखेंगे, हमारे आलू गल जाए। देखिए 5 मिनट हो गए हैं, ऑयल आ गया ऊपर,
आलू भी हमारे गल गए, कीमा हो गया तैयार। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा सब्ज धनिया, ये ऐड कर लें, इसे कर लें अच्छी तरह से मिक्स। ये देखिए 5 मिनट हो गए, हमारा आलू कीमा हो गया तैयार। ये बहुत ही मज़े का बनता है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। शुक्रिया।